12:20 मैंने बहुत दिनों बाद एकदम आज 1 जून गया और मैंने 1 जून का जो 10 बजे तक का वीडियो है मैंने अपलोड कर दिया है एंड आई एम लाइक फीलिंग ओ माई गॉड व्हाट आई डिड इस शुड मेंटेन मतलब अभी ये मेंटेन होना चाहिए एवरी डे का मैं अब से वही करूँगी 9 बजे तक का लास्ट वीडियो वो करूँगी और उसके बाद मैं एडिट करके डालने वाली हूँ क्योंकि जो शॉर्ट वीडियोस क्रिस्प वीडियोस होते हैं वो जल्दी हो जाते हैं और मैं अप्रैल जैसे तो नहीं करने वाली हूँ टू मच सॉरी मई जैसा तो नहीं करने वाला अप्रैल का तो वैसे भी लेट था मई 1 तारीख से लेके मैंने पूरे मई का मैंने कुछ नहीं डाला हुआ है मैं सोच रही हूँ वो बैकअप मैं लाइक आई विल ट्राई व्हेनेवर आई विल गेट सम टाइम वो धीरे धीरे मैं डालती जाऊँगी मई का बट जून का इट विल कम ऑन टाइम ठीक है तो अभी मैं जा रही हूँ फ्रेश होने फ्रेश होके थोड़ा सा काम है करके फिर सो जाएंगे 12:45 बज गए हैं मैं जस्ट नहा के आई हूँ अभी मुझे याद आ रहा है कि मैं हमारा जो कॉटन वाला चादर ओढ़ते हैं वो छत पे ही रह गया तो जाना पड़ेगा इतना मस्त ठंडा ठंडा है पता नहीं घर के अंदर अजीब सी गर्मी पता नहीं घर पे वॉल्स पे होल कर दे क्या अभी कितना 20 दिन पहले का बात है हमको परसों ये भगवान बढ़िया फोन नया ही फोन लिया था हाँ। वो तो गायब हुआ साथ में पर्स भी निकाल लिया पर्स में एटीएम कार्ड वोटर कार्ड आधार फोन भी गया पर्स भी गया सब गया ₹700 था वो पूरा उसका बहुत कुछ भी नहीं भी रहता ना खाली पर्स भी गायब होता तो भी तकलीफ होती है मुझे तो क्या हाल है नहीं नहीं वो बहुत पंगा होता है माय गॉड मैं चाची को बोल रही थी कि मैं कॉलेज का वीडियो दिखाई मेरा केके का गाया हुआ गाना जो कॉलेज फेयरवेल में आप लोगों को भी दिखाऊंगी मैं तो उसके बाद याद आया कि मेरा फ़ोन चाची बोल रही तुम्हारे पास फ़ोन था क्या तभी मैंने बोला नहीं मैंने मतलब बोलते हैं ना सब कुछ यहाँ वहाँ से कलेक्ट करके निकलने से पहले यार तेरे फ़ोन में ये था वो दो पेन ड्राइव में लाना ऐसा कर करके 2009 का क्या सारी चीज़ें मेरे पास है अभी भी कॉलेज का इंटैक्ट तो उसमें से केके का एक गाना था एंड लाइक इट्स वेरी हार्ट ब्रेकिंग यार जो हुआ उस दिन कोलकाता में एंड आप लोगों को पता ही है किस तरह का सेटअप हुआ और क्या हुआ अब जब धीरे धीरे चीज़ें रिवील होके आ रही है तो और बुरा लग रहा है किस तरह का मैनेजमेंट था एंड ऑल दैट तो हर चीज़ के पीछे कोई बड़ा रीज़न होता है बिना रीज़न के कुछ नहीं होता आजकल है ना तो वैसे वेलकम बैक पीपल सो इट्स 2nd of June एंड आज सुबह भी मैं लेट ही उठ रही हूँ क्योंकि अगेन सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज़ आज मैं कोशिश करूँगी भले नींद आए नहीं आए मैं 11:30 तक बेड में जाने का कोशिश करूँगी एंड देन आई विल जस्ट नॉट स्विच ऑन लैपटॉप आई विल नॉट स्विच ऑन फ़ोन एंड लेट मी सी कि क्या होता है क्योंकि 2:30, 3, 3:30 करते करते ना सब इधर उधर हो जा रहा है ये तो बहुत दिनों से हम स्ट्रगल कर रहे हैं बैंगलोर से ही यहाँ पे आके भी बहुत ज़्यादा ठीक नहीं कर पाए हैं बट लेट्स सी क्या होता है सो लेट मी गेट स्टार्टेड अभी ब्रश भी नहीं किया वैसे जिस फ़ोन से मैं ये कर रही हूँ अच्छा इस फ़ोन का भी बैटरी नहीं रहता है मतलब मैं चार्ज देना भूल जाती हूँ नहा धो के क्या हुआ क्या बनाई हो क्या मैंने कुछ नहीं बनाया ठीक है पटल है मैंने खाया अरे खाओ ना खा के क्या अजीब आदमी है अच्छा लगे छोड़ दिया तब ना खाए पटल में तो सोना भर दोगे तब ना खाए नौटंकी देख रही है सोना सोना भर देना एक खाओ एक ले रही हो नहीं दोनों हटाओ बहुत ऐसा आदमी है ना मैं तो 3 खाऊंगी फिर हाँ यू तो चाहूंगी ना मैं कि उबर बुक करूँ तो वही रहे बस सेम इट डिपेंड्स कि आप तुमको किस चीज में क्या चाहिए जैसे जब हम कस्टमर केयर में कॉल करते हैं तब हमको वो नहीं चाहिए तब हमको रोबोटिक वॉइस नहीं चाहिए तब हमको ह्यूमन बंदा चाहिए बात करने के लिए प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए लेकिन जब हमको ऑटोमेटिक सर्विसेज की बात आती है तब हमको ऑटोमेशन चाहिए तो ओला उबर बुक करना ऑनलाइन कुछ खरीदना किसी से पूछने का मन नहीं करता है
जाओ क्लिक करो। हाँ मतलब जैसे तुम बोल रहे थे उस दिन ऑटो को मत पूछो मैं देख लेता हूँ, मतलब लीस्ट ही ह्यूमन इंटरेक्शन, इसको समझाना भैया इधर आइए इधर से जाइए। अब वही है डिपेंड करता कौन सा सर्विस में क्या है। सो आप ये देख सकते हैं रिसेंटली वी हैव लॉन्च्ड अ वेबसाइट कॉल्ड firewalksplanet.com। ये इंटीरियर की बनाई हुई साइट है। इट्स वन ऑफ आवर US क्लाइंट्स फॉर होम वी हैव मेड दिस। सो दे आर अवेलेबल एट बॉस्टन हाइट्स, डियरफील्ड, मेरीना एंड वेस्ट वर्जीनिया। सो इट वॉज अ रियली बोलते हैं ना हैप्पी हैप्पी काइंड ऑफ वर्क, जहाँ पे हमने कभी फायर वर्क कंपनी के लिए कोई काम नहीं किया था। दिस इज़ आवर फर्स्ट फायर वर्क क्लाइंट एंड वी आर सो एक्साइटेड। मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले मेरे सोशल मीडिया जो मैनेजर है उनके साथ बैठ के एक प्रॉपर पोस्ट की तैयारी की है और मैंने लाइव किया है मेरे इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड लाइक द अदर अकाउंट्स लिंक। सो द थिंग इज़ हमको जब एक काम नया मिलता है ना हमारा मोटिवेशन उसी में रहता है कि द एवरीडे मोटिवेशन क्या रहता है कि जैसे क्लाइंट ने बोला था, जैसे क्लाइंट ने अपना रेफरेंस दिया था या जैसे क्लाइंट ने अपना बोलते हैं ना, आप जब कुछ काम किसी को देते हो तो आप इमेजिन करके रखते हो कि द आउटपुट इज़ गोइंग टू बी लाइक दैट। सो मेरे दिमाग में हमेशा रहता है कि भाई अगर किसी ने रेफरेंस दिया है तो उससे इंस्पायर हो ना कि कॉपी करे, और नहीं तो फिर हम कोशिश करते हैं कि भाई कुछ नया ही क्रिएटिव स्टाइल में करके दे। फॉर दिस क्लाइंट आवर रेफरेंस वाज द मेन थिंग। क्लाइंट ने बोल दिया था कि रेफरेंस के साथ ही हमको जाना है। सो वी डिडंट हैड टू मच ऑफ थिंग्स टू लाइक ऐड इन द क्रिएटिव एंगल, बट वॉट एवर वी डू टू मेक आवर क्लाइंट हैप्पी वी ऑलवेज डू एंड मेक श्योर कि भाई पॉइंट वाइज हमारा वो सारी चीज़ें टिक मार्क हो। एंड आई एम सो हैप्पी फॉर दिस लॉन्च और दैट्स इट। इफ़ यू वॉन्ट टू विजिट माई, आई हैव नेवर सेड विजिटिंग माई इंस्टाग्राम, माई कंपनी इंस्टाग्राम एनी टाइम इन दिस पर्टिकुलर ब्लॉग। आई गेस आई हैव ऑलवेज टोल्ड दैट आई ओन ए आई टी कंपनी, बट मैं बोलूँगी कि आप इस, मैं हमेशा लिंक डालती हूँ मेरे इंस्टाग्राम का, तो आप वहाँ पे भी जाके चेक कर सकते हैं। एंड माई कंपनी नेम इज़ इंटीरियर टेक लैब्स प्राइवेट लिमिटेड। वी स्पेशलाइज इनटू वेबसाइट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट एंड वी आर डूइंग लॉट ऑफ स्टफ एक्चुअली। धीरे धीरे आपको पता चलेगा, धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगी आगे भी। जाओ ना जल्दी, तुम रात करोगे फिर दिमाग मेरा खराब होगा, मन नहीं करेगा खाने का। मूढ़ी क्या बनाना है? मूढ़ी में क्या बनाना है? मूढ़ी कैसे बनाते हैं? ओ प्याज मिर्ची वाला। अश्विन मुझे हमेशा बोलते थे श्रेया मैं कोलकाता जाऊंगा साइकिल लेके तुम्हारे लिए चॉप लेके आऊंगा। तो ऐसे आज 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 शायद ये पहला दिन है कि वो चॉप लेने ऐसा कुछ कुछ काम भी है और साथ में चॉप लेके आएंगे चॉप। मैं एक से ज्यादा नहीं खाने वाली हूँ। सब अपने अपने रूम पे रहता है ना, तो कभी कभी ये डोर मैं देखती हूँ खुला ही रह जाता है। जब से आई हूँ तब से मेरा ये एक टेंशन रहा। सो आज ऐसा नाश्ता होने वाला है कि हम डिनर ही नहीं खाने वाले, हम है ना डिनर नहीं खाने वाले हैं ना ये नाश्ता करने के बाद। कौन यार नाश्ता करता है? जल्दी इतना टाइम पास किए हम। मैं कुछ वीडियोज़ दिखा रही थी चाची को मम्मी को शादी के, जो मैं गई थी मासी के बेटे की शादी में, तो देखते देखते पापा का एक दो डांस दिखाया, हम लोग हंसते हंसते